CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम बिल्ली और तोता। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं क्रिस्टोफर सिंह। दोस्तों जय हिंद। तो भाई आजकल तुम कहानियां सुन रहे हो, गीत सुन रहे हो, कैसा लगता है ये सब? दोस्तों आज की कहानी सुनाने से पहले मैं तुम्हें कुछ मजेदार मजेदार गीत सुनाना चाहता हूं। सुनोगे ना? अच्छा तो भाई पहले सुनो ये मजेदार गीत। खुली सड़क पर जरा टहल कर, खुली सड़क पर जरा टहल कर, दादाजी ने केला खाया, दादाजी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पिचका कर, केला खाकर मुंह पिचका कर, छड़ी उठाकर तोड़ बढ़ाकर, छड़ी उठाकर जैसे रखा, कदम बढ़ाकर जैसे रखा, पांव तले एक छिलका आया, ना ये मजेदार गीत। तो भाई केला खाया और केले का छिलका सड़क पर फेंक दिया और फिर क्या हुआ? लाला जी फिसले। भाई एक और भी बात है, जब तुम कुछ खाते हो तो बचा हुआ कूड़ा करकट सड़क पर ही तो नहीं फेंक देते हो या स्कूल के बाहर तो नहीं फेंकते हो? भाई अगर ये सब बेकार की चीजें तुम ऐसे ही इधर उधर फेंकोगे तो क्या होगा? कोई गिरेगा, स्कूल भी गंदा दिखेगा और मक्खी भी आएगी। मक्खी आई पंजों में मैला भर लाई। मक्खी आई छोटे छोटे पंख हिलाती, इधर उधर मैला फैलाती। मक्खी आई भिन 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 गाना गाती, बैठ नाक पर हमें सताती। मक्खी आई मक्खी है बीमार बनाती, मक्खी है बीमार बनाती, इसीलिए ये हमें नभाती। मक्खी आई मक्खी आई मक्खी आई। समझ गए ना दोस्तों, इन मक्खियों से दूर ही रहना, अपने पास ना आने देना। और लो दोस्तों अब तुम्हें भैया मजेदार कहानी सुना रहे हैं, तैयार हो जाओ। तो लो सुनो ये कहानी। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। एक हरा तोता अमरूद के पेड़ पर बैठकर अपनी चोंच से अमरूद कुतर कुतर कर खा रहा था।
वो तरह तरह की आवाजें गले से निकाल रहा था। तोते ने देखा उसके कुछ मित्र कौवा, गौरैया और देसी मैना भी आसपास मंडरा रहे हैं। इन सभी आवाजों से सारा बगीचा गूंज रहा था। बच्चों, जाड़े के दिन थे और हल्की हल्की धूप तोते की पीठ पर पड़ रही थी। तुम जानते हो जाड़े में धूप कितनी अच्छी लगती है, गरम गरम लगती है ना? तो तोते को जब धूप गरम गरम लग रही थी तो तोते को झपकी आ गई। अचानक जोर से ची ची चू चू का शोर हुआ और तोते की नींद खुल गई। उसने देखा एक भूरे रंग की बिल्ली दबे पांव उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। तोता तो डर के मारे कांप गया। तोते ने सोचा, अरे मारा गया, अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। चिड़ियों ने फिर से शोर मचाया। तोते को लगा उसके मित्र उसको कह रहे हैं, उड़ जाओ जान बचाओ, उड़ जाओ जान बचाओ। तोते ने उड़ने के लिए पंख फड़फड़ाए, पर ये क्या, बिल्ली तो बहुत पास आ गई थी। तोता घबराकर डाल से नीचे गिर पड़ा। तोते को गिरता देख बिल्ली ने भी जमीन पर छलांग लगाई। उसने तोते को खाने के लिए अपना मुंह खोला। तोते ने देखा लाल लाल जीभ, छोटे छोटे नुकीले दांत, चमकती हुई आंखें, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। और ये सोचकर तोते ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी जानते हो क्या हुआ, खड़खड़ खड़खड़ की आवाज हुई। सूखे पत्तों के बीच से एक चूहा निकला। बिल्ली ने पीछे मुड़कर देखा, अरे चूहा, बिल्ली सोचने लगी, तोते से तो यही अच्छा भोजन है, तोते के पंख निकल जाने से तो कुछ भी मांस नहीं मिलेगा, लेकिन रसेदार चूहा, आ, बिल्ली के मुंह में पानी आ गया और वो चूहे की तरफ मुड़ी। लेकिन चूहा वहां कहां था, वो तो बिल्ली को देखते ही सिर पर पांव रखकर भाग गया। बिल्ली ने चूहे का बहुत पीछा किया, लेकिन चूहा तो हाथ से निकल चुका था। तोता आंखें मूंदे वैसे ही जमीन पर पड़ा था। बिल्ली को चूहे के पीछे भागते देखकर सारी चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगी। शोर सुनकर तोते ने अपनी आंखें खोली। हैं, ये क्या, बिल्ली वहां नहीं थी। तोते की जान में जान आई। तोते ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और वो उड़कर नीम की सबसे ऊपर वाली डाल पर जा बैठा। उसने चैन की सांस ली और सोचा, आज तो बच गया। इतने में ही ची ची करता हुआ चिड़ियों का झुंड तोते के पास आया और सब मिलकर वहां से उड़ गए।
तो बच्चों, ये तो थी कहानी तोते और बिल्ली की। लेकिन आज हमारे साथ माथुर चाचा हैं। हाँ, माथुर चाचा, पक्षियों की और पशु की आवाज तुमको सुनाएंगे। ये आवाजें वो अपने आप बनाएंगे अपने मुंह से और तुम्हें भी सिखाएंगे। तो आइए माथुर चाचा, और सुनाइए बच्चों को जानवरों की और पक्षियों की आवाजें। पहले आप ये सुनिए, बिल्ली बोलती कैसे है। म्याऊ। सुना ना आपने? अब आप बोल के सुनाइए। अब फर्क ये है बच्चों कि म्याऊ म्याऊ जो है वो इतने जल्दी जल्दी म्याऊ म्याऊ नहीं बोलती है बिल्ली, जैसे आप बोल रहे हैं। बिल्ली बहुत आराम से बोलती है इस तरह। अब आप बताइए कैसे बुलाएंगे तोते को आप? मिट्ठू। और वो तोता कैसे बोलेगा? मिट्ठू। राम राम को। मिट्ठू। बच्चों, तुम भी ध्यान से अब सब आवाजें सुना करना और पहचानने की कोशिश करना कि ये आवाजें किस जानवर या पक्षी की हैं। सुनोगे ना तुम ये सब आवाजें? तो दोस्तों, कैसा लगा आज का कार्यक्रम? तो भाई, इसी बात पर सब जोरदार ताली तो बजाओ, और जोर से ताली बजाओ। ऐसे, बस बस बस। अच्छा दोस्तों, आज के कार्यक्रम का तो समय समाप्त हो रहा है, तो भाई सब जोर से कहो जय हिंद। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।